IPL 2022 में आज मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 65वां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आपको बता दें कि आज ये हैदराबाद के लिए करो या मरो का मुकाबला है, जिसमें कप्तान केन विलियमसन एक नई रणनीति के साथ उतरे हैं। केन विलियमसन ने आज अपनी जगह युवा प्रियम गर्ग को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने भेजा। फिलहाल ये रणनीति हैदराबाद के लिए काम आई, क्योंकि हैदराबाद की शुरुआत आज शानदार रही। लेकिन हैदराबाद की इस पारी में सबसे बड़ा योगदान राहुल त्रिपाठी का रहा, जिन्होंने आज अर्धशतकीय पारी खेली। राहुल त्रिपाठी इस पूरे ही सीजन में हैदराबाद के लिए रन बनाते नजर आए हैं, जहां उन्होंने आज एक बार फिर से टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली है। हैदराबाद ने अपना पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में जल्दी गंवाया, जिसके बाद राहुल त्रिपाठी और प्रियम गर्ग ने दूसरे विकेट के लिए 78 रनों का योगदान दिया। राहुल त्रिपाठी ने आज सभी मुंबई के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपना 50 भी जल्दी पूरा किया, जिसके बाद हैदराबाद का खेमा बड़े स्कोर तक पहुंच पाया है। राहुल त्रिपाठी ने आज तेज तरार पारी खेली है, उनकी ये पारी टीम के लिए बहुमूल्य है। हैदराबाद की टीम इस वक्त प्लेऑफ के लिए जंग लड़ रही है, जिसके लिए आज उन्हें ये मुकाबला जीतना जरूरी है। आपको बता दें कि त्रिपाठी ने इस सीजन हैदराबाद को कई मुकाबले जिताए हैं, और आज फिर से उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। राहुल त्रिपाठी इस वक्त अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने इस मुकाबले में भी अपनी लय बरकरार रखी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।